जब मैं वापस चल के आने लगी तो बहुत सारे लोग थे कि वो मेरे पर हंस रहे थे कि जो है गाड़ी चलानी नहीं आती है शायद, इसलिए मैं पीछे हट के आ गई हूँ। लेकिन मेरे जहन में ये बात भी थी कि अभी जाओ बेटा तो पता चलेगा कि आखिर उधर है क्या। अब बारी है किरण और निमरा की। निम्रा ये कंपटीशन जीत गई है। तो जब मैं जा रही थी तो अब वापस आई तो सब मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन अब मैं किरण पे हंस रही थी कि बेटा अब पता चल रहा है कि क्यों मैंने गाड़ी नहीं चलाई। तो सारे बंदे वापस आ रहे थे, जो दरवाजे गाड़ी को दरवाजे को आग लगाते थे वापस आ जाते थे। सोचा भी पता नहीं गाड़ी में है क्या यार, कोई भी हिम्मत नहीं आ रहा अंदर जाने की। असली तौर पे जो गाड़ी चलाने वाले थे उनको ये गेम जीतनी चाहिए थी। सिंपल सी बात थी, गाड़ी लानी थी ऊपर वाले को फेंकना था, ऊपर बैलेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन समझ नहीं आ रही, नौशीन के बाद किरण गई, वापस आ गई। मारिया और तूबा, आपके दरमियान कॉम्पिटिशन है, पहले मारिया आप जाएंगे। सो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, बस मैं ये सोच रही थी कि भाई मैंने आधी माउंटेन ड्यू की बॉटल जरूर खत्म करनी है, चाहे उसके बाद में गिर जाऊं। अगर आपको हार माननी हो फौरन हार मान सकती है, ठीक है? चल। शिट, जब मैं गाड़ी के अंदर बैठी और उसको देखना शुरू किया तो बस एक कोई वापस आएगा। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठी और उसको देखना शुरू किया तो बस मैं और ज्यादा डरती ही गई, क्योंकि उन सांपों की आवाज, वो सन्नाटे में ऐसी लग रही थी यार कि पता नहीं कहाँ से ही आवाज आ रही है, और इतने बड़े बड़े उनके मुंह, वो सब एक साथ जब करके बोलते थे ना मेरी तो तूबा गाड़ी के अंदर आके बैठी है। थोड़ी देर के बाद ही उसने चीखें मारी हैं, उसकी चीखों की वजह से और उसके हिलने की वजह से गाड़ी जो है वो हिल रही थी, और मैं परेशान हूँ कि ये अंदर क्या हो रहा है। और वो जो स्टेयरिंग पे उसने कोबरा बांधा हुआ था, वो तो मुझे लग रहा था मेरे मौत की घंटी बांधी है, इसने किसी भी वक्त ये मुझे डस लेगा और बस मैं गई वहां से, क्योंकि उसकी उसकी दहशत मेरी जो है ना। एक साथ सबकी आवाजें निकल रही थी और सांस ले रहे थे। मैंने कहा यार ये कहां से उठा के लाए इतने सारे कोबराज एक साथ, और वो लपेट दी हमारी मैयत